नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इन खबर बिहार पर। दोस्तों, बीते दिन जिस तरीके से बहुत सारी खबरें ये सामने निकल कर आ रही थी कि नीतीश कुमार और लालू परिवार के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, अब इन खबरों को और भी जोर मिलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बीते दिन बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी पर जो है नीतीश कुमार ने परिवारवाद के ऊपर निशाना साधा और वो सीधा सीधा इशारों इशारों में जो है लालू परिवार के ऊपर ये निशाना गया। उन्होंने ये कहा कि कर्पूरी ठाकुर की ही तरह जो है मैंने परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाया और अपने आप को जो है कर्पूरी ठाकुर का सच्चा अनुयायी भी बताया। तो जिस तरीके से इन बातों को उन्होंने रखा, ये सीधा सीधा तौर पर RJD को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा था, क्योंकि इसके बाद जो है BJP की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन अब जो है लालू परिवार से प्रतिक्रिया आ गई है और इस प्रतिक्रिया से नीतीश कुमार नाराज भी बताए जा रहे हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की बेटी जो है रोहिणी आचार्य ने सोशल साइट एक्स पर ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साध दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि जो है समाजवादी पुरोधा होने का दावा करता वही है, हवाओं की तरह जिनकी बदलती विचारधारा है। अब ये भी कहा जा रहा है कि इस ट्वीट का जो है पूरा संज्ञान जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मांगा है और इस ट्वीट के बाद वो नाराज भी नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें जो है तेजस्वी यादव से कोई मेल मिलाप नहीं, वो पुराना वाला अंदाज नहीं दिखा, तो अब जो है नाराजगी गहरी बताई जा रही है कि ये धीरे धीरे नाराजगी बढ़ रही है। और वहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से बीते दिन BJP की तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, जो है कर्पूरी ठाकुर के जन्म शताब्दी वर्ष पे जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा ये फैसला लिया गया कि भारत रत्न दिया जाएगा, और इसके बाद नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार समेत जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया, और उनको धन्यवाद देते हुए ये भी बात वो कहे कि JDU जो है इससे पहले से ही इस बात की मांग करती थी और इस मांग को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है, प्रधानमंत्री मोदी ने स्वीकार किया है, तो इसके लिए उनको धन्यवाद। अब देखिए, जिस तरीके से नीतीश कुमार अब प्रधानमंत्री मोदी के तरफ झुकाव दिखा रहे हैं, वहीं ये कहना कि मेरे पास तो फोन नहीं किए थे, तो इन बातों को देखते हुए जहां राजनीतिक गलियारे में ये हलचल तेज थी, ये बातें जो है जोर शोर से चल रही थी कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ के NDA में कहीं ना आ जाए, और इन बातों को जो है अब और भी जोर मिलता हुआ नजर आ रहा है जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम चलता आ रहा है। तो अब आप सोचिए कि बिहार की राजनीति में अब कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि नीतीश कुमार जब राज्यपाल से मिले उसके बाद से ही ये सियासी अटकलें और तेज हो गई, उसके बाद लगातार ये घटनाक्रम और भी बढ़ते जा रहा है, और जहां नीतीश कुमार नाराज बताए जा रहे हैं, तो इसके बाद देखिए जब भाजपा से अलग हुए थे तो धीरे धीरे करके नीतीश कुमार ने ऐसे ही कन्नी काटा था, और यहां भी वैसे ही कन्नी काटते हुए नजर आ रहे हैं। इधर जो है इंडिया गठबंधन बना और इसमें सीट बंटवारे की बातों पे जो है नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे थे, नीतीश कुमार सीट बंटवारे में हो रही देरी से नाराज थे, ममता बनर्जी अलग ही हो गई, इधर कांग्रेस की समाजवादी पार्टी से बात नहीं बन रही है, उधर नीतीश कुमार और महागठबंधन ये जो बना है RJD और JDU का, अब इधर भी खटकता हुआ नजर आ रहा है। तो बिहार में लगता है कि बहुत जल्द कोई ना कोई खेला होने वाला है। खैर, आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।